तो भाई लोग आजकल सस्ते में यानी 6-7 हज़ार के आसपास कोई अच्छा फ़ोन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए चुन के एक ऐसा स्मार्टफोन लाया हूँ जिसमें फीचर्स एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है। और ये फ़ोन है आईटेल की तरफ से आईटेल A60s। इस फ़ोन में आपको 8 GB का रैम मिल जाता है 128 GB स्टोरेज के साथ। इसका प्राइस 6,300 है। और आज के इस वीडियो में इस फ़ोन का अनबॉक्स करने वाला हूँ, सब कुछ रिव्यू करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ़ोन एक्चुअली में कैसा है और लेना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखो, पूरा रेड टाइप का आपको देखने को मिलता है। और ऊपर भाई यहाँ पर 8 GB रैम को मेंशन भी किया है, नीचे 128 GB स्टोरेज को भी मेंशन किया है। और बैक साइड में भी यहाँ पर काफी कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बारी है दोस्तों डब्बा खोल यानी अनबॉक्सिंग का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर फोन रखा हुआ है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और ये रहा गाइस फोन जो कि मेरे पास ग्रीन कलर में है, बाकी इसका 2 कलर और मार्केट में मिल जाएगा। फिलहाल इसका बॉक्स का कंटेंट देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है और साथ में कुछ पुस्तक वगैरह यानी यूजर मैनुअल बुक, और साथ में एक बैक कवर मिलता है जो कि थोड़ा सा हार्ड टाइप का है बट सिलिकॉन वाला नहीं है। साथ में एक चार्जिंग एडेप्टर मिलता है और साथ में यहाँ पर टाइप ए टू टाइप बी वाला आपको केबल मिलता है। अब फाइनली गाइस हम लोग फोन में ध्यान देते हैं, फोन अभी प्लास्टिक के अंदर है तो इसको मैं धीरे से निकाल लेता हूँ बाहर। और कुछ इस तरीके से भाई बाहर निकलने का बाद जो लुक है, जो डिजाइन है वो आप देख सकते हो स्क्रीन में, काफी तगड़ा डिजाइन है गाइस। अगर आप 7,000 के आसपास के हिसाब से देखोगे ऐसा डिजाइन तो आपको मार्केट में मिलने वाला है नहीं। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो चीज फील होगा ना वो भाई बैक पैनल में एक हल्का सा ग्रिप टाइप का ऊपर नीचे मतलब आपको देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली में फील होता है जब आप टच करोगे ना। तो ये चीज काफी प्रीमियम बनाता है इस फोन का डिजाइन भाई। एक्चुअली में मुझे काफी पसंद आया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये मेरे पास ग्रीन कलर में आया है। बाकी यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल देखो दोस्तों, काफी तगड़ा और शाइनी सा लुक दे रहा है। और यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा है, एलईडी लाइट है और बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। बाकी ये जो फ्रेम आपको मिलता है ना ये फ्लैट फ्रेम के साथ आया है, नीचे आपको आईटेल का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। ओवरऑल फिर से मैं बता रहा हूँ भाई, टच करने में काफी मतलब अच्छा फील हो रहा है, अच्छा ग्रिप यहाँ पर दिया गया है मतलब ऊपर नीचे जैसे कि मैंने आपको बताया। और बैक साइड में आपको मेट फिनिशिंग देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट का निशान वगैरह यहाँ पर नहीं आता है। बाकी बैक साइड में जो पैनल यूज किया गया है प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का है बट काफी अच्छा क्वालिटी का है। बाकी यहाँ पर नीचे जाओगे तो आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, माइक देखने को मिल जाएगा, इस साइड में आपको सिम ट्रे भी देखने को मिल जाता है। और सिम ट्रे को मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 2 सिम के साथ माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर 3.5 mm हेडफोन जैक मतलब जो गड्ढा दिया जाता है ना वो दिया गया है। बाकी इस साइड में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाता है। और फोन का जो फ्रंट साइड है वहां पर एक स्टिकर लगा हुआ है तो इसको मैं निकाल लेता हूं। और उसके बाद दोस्तों इसका डिस्प्ले का जो लुक है वो आप देख सकते हो स्क्रीन में, जो चीन है जो बेजल है वो आप देख सकते हो। वाटर ड्रॉप नोच के साथ ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। अब इस फोन का अगर इन हैंड फील की बात करें गाइस तो फोन बहुत ही लाइट वेट है, वैसे अगर वेट की बात करें 196 ग्राम के आसपास इसका वेट आ जाता है और काफी कंफर्टेबल है, मतलब आप इसको एक हाथ में यूज कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया बैक साइड में यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया है। इस बजट में ना फिंगरप्रिंट हमें मिलता नहीं है ज्यादातर स्मार्टफोन में बट इसमें दिया गया है। और इसको मैंने टेस्ट किया है दोस्तों, हर बार की तरह बहुत ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट मोबाइल को अनलॉक करके देता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला। इस फोन का जो फ्रंट में डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों वो 6.6 इंच का एक परफेक्ट साइज का डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। और इसमें जो चीन और बेजल आप तो देखा भाई, यहाँ पर वाटर ड्रॉप नोट डिस्प्ले है, एलसीडी पैनल है और ये 720 पिक्सल वाला एक डिस्प्ले यूज किया गया। और आउटडोर में भी चेक किया है तो यहाँ पर ब्राइटनेस में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, काफी तगड़ा ब्राइटनेस भी दिया है। बाकी यूट्यूब में देखने के टाइम यहाँ पर जो कलर निकलता है प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, शार्प है, एक्यूरेट है, थोड़ा सा आपको डिटेल्स में कमियां मिलेगा क्योंकि ये 720 पिक्सल वाला है बट इस प्राइस में आपको फुल एचडी वाला तो मिलता ही नहीं है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले में मुझे कोई कमियां देखने को नहीं मिला। उसके बाद इस फोन का सेटिंग में गया और उसके बाद मैंने चेक किया यहाँ पर एंड्रॉइड 12 मतलब आया है आउट ऑफ द बॉक्स और ये फुल वेरिएंट है, ये मुझे काफी अच्छा लगा। इस बजट में ना फोन में ज्यादातर हमें लाइट वर्जन देखने को मिलता है बट गो एडिशन वाला, बट इसमें नहीं है, फुल वर्जन दिया गया। बट फोन का एक चीज मुझे काफी अच्छा लगा, इस फोन का प्राइस काफी कम है बट ब्लोटवेयर भी काफी कम रखा है, मतलब 2-4 ही ब्लोटवेयर मुझे देखने को मिला। और टेंशन नहीं है, यहाँ पर आप टेप करके इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बाकी ये जो मेरे पास वेरिएंट है ना 8 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है, मतलब यहाँ पर 4 GB का रैम है और 4 GB का वर्चुअल रैम, कुल मिला के 8 GB किया गया है और 128 GB का स्टोरेज वाला है। और यहाँ पर मैंने रैम मैनेजमेंट चेक किया दोस्तों तो रैम मैनेजमेंट भी मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब जो ऐप को मैंने बैकग्राउंड पे रखा था वो बाद में भी रन कर रहा था। अब अगर फोन का बैटरी लाइफ की बात करें गाइस तो इस फोन में 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो सच में यहाँ पर बैटरी बैकअप मुझे काफी अच्छा मिला है, मतलब नॉर्मली अगर आप यूज करते हो ना 1.5 दिन तक आराम से बैकअप दे देता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता। और इस फोन में भाई चार्जर की बात करें तो आपको 10 वाट का चार्जर मिलता है और इस बजट में मतलब
सारे फोन में आपको 10 वाट का ही चार्जर मिलता है, बट इस फोन में एक चीज का कमियां मुझे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर टाइप बी वाला पोर्ट दिया गया है, थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता था टाइप सी दे सकता। अब अगर कैमरा की बात करें गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो बैक साइड में जो कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल रहा है ड्यूल रियर कैमरा है, और वहां पर जो मेन सेंसर है ना वो भाई 8 मेगापिक्सल का है, और सेकेंडरी सेंसर एक QVGA सेंसर है, और LED लाइट भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसका कुछ फोटो सैंपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, कुछ माइक्रोशॉट मैंने खींचा है वो सबसे पहले दिखा रहा हूँ। आप देखो मुझे यहाँ पर माइक्रोशॉट में ज्यादा कुछ दिक्कत तो देखने को नहीं मिला, मतलब ठीक ठाक आपको निकाल के देता है, एवरेज सा है, मतलब डिटेल्स और कलर वगैरह आप देख सकते हो आपके सामने ही है। बाकी यहाँ पर नेचुरल कुछ मतलब फोटो खींचा है वो भी आप देख सकते हो, मतलब डे लाइट में, तो कैसा लग रहा है वो मुझे आप कॉमेंट करके बताना। और ह्यूमन फेस में जो फोटो है वो भी आपके सामने है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्किन टोन एज डेडिकेशन सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका जो फोटो सैंपल है वो कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी इस फोन का अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो फ्रंट में जैसे कि आप देख ही सकते हो भाई आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा मिल रहा है, और ये 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, और इसका जो फोटो वगैरह है ना इसका सेल्फी कैमरा का वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप देखो स्क्रीन में। तो यहाँ पर जो स्किन टोन है वो आप सबसे पहले देखो, मुझे ये सही लगा, बाकी यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा सा कमी आपको मिलेगा क्योंकि 5 मेगापिक्सल है, और बाकी यहाँ पर जो कलर वगैरह निकलता है या फिर एज डेडिकेशन है वो आपके सामने है। वैसे 5 मेगापिक्सल का कैमरा में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट ठीक ठाक आपको फोटो निकाल के देता है। और अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो बैक साइड से आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने इस फोन का डायलर को चेक किया गाइस, और मैंने यहाँ पर सच में काफी सॉफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो डायलर दिया गया उसमें हम लोग कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब अगले वाले को बंदे को पता नहीं चलता है गाइस, और ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर 4G का सपोर्ट दिया गया है, दो 4G सिम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फोन का सेटिंग में जाके मैंने चेक किया, तो वहां पर मैंने देखा जो कि आप देख सकते हो जितना स्टोरेज खाली है, मतलब इतना खा जाता है सिस्टम। और उसके बाद इस फोन में भाई OTG का भी सपोर्ट दिया गया है, इस बजट में ना आपको मार्केट में ज्यादातर फोन में OTG नहीं मिलता है, बट इस फोन में OTG का सपोर्ट दिया गया है। लेकिन 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 गाइस इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है मुझे पता है आप लोग जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वो कैसा है, तो भाई इस फोन में यूनिसोक का चिपसेट यूज किया गया है, नॉर्मल सा एक डिसेंट सा चिपसेट है, और इसमें मैंने नॉर्मल टास्क करके देखा है डे टू डे, मतलब जो काम करते हैं क्लोज एप्लीकेशन ऑन करके बहुत सारा एप्लीकेशन चला के देखा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला, मतलब डे टू डे हर एक टास्क आराम से ये कंप्लीट करके देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा गेम भी खेल के देखा है, फ्री फायर चल जाता है, मतलब दिक्कत तो नहीं है, बट हेवी गेमिंग में थोड़ा सा दिक्कत देता है, थोड़ा सा क्या ज्यादा ही देता है, क्योंकि ये फोन थोड़ा सा हीट हो जाता है। तो ये चीज नोट कर लेना, जो लोग भाई गेमर हो ना इस फोन को मत परचेस करना। बाकी अगर प्राइस की बात करें तो भाई इसका 4GB और 64GB भी मार्केट में आया है, उसका प्राइस 6300 रखा है, बट मेरे पास जो ये 4GB 128GB है जिसमें 4GB का वर्चुअल रैम दिया गया ना, उसका प्राइस रखा है 6999 यानी 7000, और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा, बट टाइप सी अगर हो जाता ज्यादा बेटर होता। बाकी आपको ये फोन कैसा लगा भाई आइटेल की तरफ से आप मुझे कमेंट करके बताना, खास करके इसका डिजाइन के बारे में जरूर बताना। वैसे इसी तरीके से अनबॉक्सिंग अगर देखना पसंद करते हो या फिर मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बैक टू बैक यहाँ पर काफी सारा अनबॉक्सिंग भी आपको मिलेगा। मैं मिलता हूं आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।